यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 का उनके फैंस को लंबे समय से इंतजार था। फिल्म 23 फरवरी 2024 को थिएटर में रिलीज हो गई है और फिल्म को ऑडियंस का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले दिन शानदार ओपनिंग के बाद अब फिल्म दूसरे दिन भी अच्छा कमा रही है। ये फिल्म सिनेमाघरों में अपना दबदबा बनाए हुए है। आर्टिकल 370 ने पहले दिन 5.9 करोड़ की शानदार ओपनिंग की थी। अब दूसरे दिन फिल्म को वीकेंड का फायदा मिल रहा है और फिल्म के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं। शनिवार को फिल्म ने अब तक 1.96 करोड़ रुपए बटोर चुकी है। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 का टोटल कलेक्शन 7.86 करोड़ रुपए हो गया है। आर्टिकल 370 के साथ में विद्युत जामाल और नोरा फतेही स्टार फिल्म क्रैक के साथ बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर हुई है। इसके बावजूद फिल्म अच्छा कमा रही है और क्रैक को मात भी दे रही है। पहले दिन आर्टिकल ने 370 ने 5.9 करोड़ के कलेक्शन के साथ क्रैक को पछाड़ा है। क्रैक फिल्म ने 4.25 करोड़ की ओपनिंग की थी। अब दूसरे दिन भी यामी गौतम की फिल्म क्रैक को शिकस्त दे सकती है। आपको बता दें कि फिल्म आर्टिकल 370 की स्टोरी लाइन और उसकी स्टार कास्ट क्या है। आर्टिकल 370 कश्मीर की कहानी है। दिए गए नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो उसी के बेस पे ये कहानी है। फिल्म में यामी गौतम, प्रिया मणि, किरण कर्नाकर और अरुण गोविल अहम रोल अदा करते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म को आदित्य सुहास जम्बाले ने डायरेक्ट किया है। आर्टिकल 370 का बजट लगभग 20 करोड़ है बताया जा रहा है कि, और फिल्म को लेकर दर्शकों में जो क्रेज है उसे देखकर अंदाज लगाया जा रहा है कि ये फिल्म आसानी से अपनी लागत पूरी कर लेगी। दोस्तों, आपको कौन सी फिल्म पसंद आई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे नए अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।